बलूचिस्तान में पकड़ी गई मछली 7,80,000 रुपए में फरोख्त हो गई। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये मछली इतनी महंगी फरोख्त हुई? बलूचिस्तान के साहली जिला गवादर के माहिगीर अब्दुल हक और उनके साथ काम करने वाले दीगर अफराद की उस वक्त खुशी की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने अपने जाल में एक क्रोकर मछली को देखा। ये अगरचे वजन और लंबाई के लिहाज से बहुत मछली नहीं थी, बड़ी मछली नहीं थी, लेकिन थी कीमती, इसलिए उन्होंने इसे मार्केट में पहुंचाने में देर नहीं लगाई। अब्दुल हक के चचाजाद भाई राशिद करीम बलोच ने बताया कि 26 किलो ये वजनी मछली 7,80,000 रुपए में बिक गई। राशिद करीम ने कहा कि इस मछली को पकड़ने के लिए 2 माह तक जतन करने पड़ते हैं। ये इतनी तवील कोशिश के बाद अगर किसी दिन आपके जाल में आ जाए तो खुशी तो बनती है। ये मछली कहाँ पकड़ी जाती है, ये भी बहुत अहम सवाल है। इस कीमती मछली को अंग्रेजी में क्रोकर, उर्दू में सवा और बलोची में कर कहा जाता है। इनका कहना है कि ये मछली जियोनी के साहली इलाकों में पकड़ी गई और ये इलाका जिला गवादर में ईरानी सरहद से 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। राशिद करीम ने बताया कि इस मछली के शिकार के लिए 2 महीने होते हैं, इसलिए इसको पकड़ने के लिए माहीगीरों को बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल हक और इसके साथी मामूली की माहीगीरी में मसरूफ थे कि जाल फेंकने के बाद जब उन्होंने इसे बाहर खींच लिया तो इसमें एक क्रोकर मछली थी। मछली के लिए बोली फी किलो 30,000 रुपये में लगना शुरू हुई और उसके बाद इसकी फरोख्त अमल में आई। ये मछली क्यों इतनी कीमती है कि इसको दुनिया भर की नज़रें इस पर होती हैं? गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर इस हवाले से कहते हैं कि बाज़ मछलियां अपने गोश्त की वजह से बहुत ज़्यादा कीमत वसूल करवाती हैं, लेकिन क्रोकर के हवाले से मामला मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि क्रोकर की कीमत दरअसल उसके एयर ब्लैडर्स की वजह से है जिसमें हवा भरने की वजह से वो तैरती है। उनका कहना था कि इस मछली का एयर ब्लैडर तिबी इस्तेमाल में आता है और चीन, जापान और यूरोप में इसकी मांग है। क्रोकर मछली का एयर ब्लैडर इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दौरान सर्जरी लगाए जाने वाले टांकों, बिलखसूस दिल के ऑपरेशन में स्टिचिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये मछली कैसे पकड़ी जाती है, ये भी जानना बहुत अहम है। यूँ लगता है कि बलोचों में इस मछली का नाम इसकी आवाज़ की वजह से कर रखा गया है। ये मछली कर कर की आवाज़ें निकालती है और ये मैंग्रोव्स के इलाके में छोटे छोटे दराड़ों में अंडे देने के लिए आती है और जो माहीगीर होते हैं वो इसकी आवाज़ का अंदाज़ा लगाकर वहाँ अपना जाल फेंक देते हैं। इस मछली की आवाज़ सुनने के बाद माहीगीर अपना जाल इस इलाके में फेंकते हैं और जब घंटा डेढ़ घंटे के बाद इसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है तो फिर जाल बाहर फेंक लिया जाता है। याद रहे कि दिल के ऑपरेशन और इंसानी अंदरूनी अज़ा के ऑपरेशन के लिए टांकों में इस मछली का एयर ब्लैडर इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत अहम है, और एयर ब्लैडर के इस्तेमाल के बाद अब इसकी कीमत भी बढ़ी जा रही है और पाकिस्तानियों को चाहिए कि दुनिया भर में कम होती इसकी तादाद को देखते हुए इसकी अफसाइश नस्ल की तरफ बढ़ा जाए ताकि ये दुनिया भर में यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सके, लेकिन उससे कबल हमारे पास इतना ज़खीरा हो कि इसकी नस्ल ख़त्म ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मछलियों से मुतालिक और सी से मुतालिक जितनी भी माहीगीरों से जुड़ी खबरें हैं वो हासिल करना आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।